वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो हम लोगों ने जो कल बात की थी वो लास्ट नॉन जीरो डिजिट पर हमने बात की थी, कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना, वो सारा बात समझना था। और हमने ये भी बोला था कि नंबर ऑफ जीरो कुछ एडवांस क्वेश्चन है, वो भी आपको कराना है। तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, है ना, इधर उधर बातें ना करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। चलो देखिए, तो क्वेश्चन पहला जो हमारा बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नहीं दिया है, नंबर गिवन है। इस नंबर से हम कैसे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं आप ये देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि 134 इंटू 135 इंटू 136 ऐसे ऐसे करके हमने 800 तक लिया है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, 136 के स्थान पर या प्लेस पर ऑफ क्या ले लेना, 135 ले लेना, ठीक है। चलो फिर हमने कहा आप इसको ले लेंगे, फिर आपको चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 800 है तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 800 इंटू 799, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करके ना पूरा लास्ट वन तक जाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना मेरे को, एक चीज़ और मेरे को बताना अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 34 ले लूँ और इंटू मैं आपसे ये लिख दूँ, 34 लिया मैंने, फिर आपको मैं 35 इंटू 36 इंटू 36 7 ले लूँ और मैं फिर ले लूँ 38, तो आप एक चीज़ मेरे को बताना यहाँ से, क्या आप फैक्टोरियल 34 को 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू ऐसे ऐसे करके वन तक नहीं ले जाएंगे आप? अरे ले जाएंगे ना, अरे ले जाओगे ना, समझने के लिए आप ले जाओगे वन तक। आप मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पे समझने के लिए, 35 से लेकर 38 तक तो ऑलरेडी लिखा है और 34 से लेकर 1 तक तो ये फैक्टोरियल 34 ही दे देगा आपको। तो क्या आप डायरेक्ट इस बात को ऐसे नहीं देख सकते कि 34 और 35, 36, 37, 38 ये एक नंबर में गिवन है। किसमें दिया है? नंबर में गिवन है। तो आप आराम से बोल सकते हो सर ये 34 से लेकर 1 तक रहा होगा, लेकिन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे करके 34 तक रहा होगा, फिर 35, 36, 37, 38। तो क्या आप टोटल इसको फैक्टोरियल 38 नहीं बोल सकते आप? आप बोलोगे आराम से बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं ना आप। चल देखो, तो मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार समझ। चलो देखो, मैंने कहा फैक्टोरियल अगर 800 था तो आप बोलोगे 800 लेना था इंटू 799 लेना था इंटू 798 लेना था, ऐसे ऐसे करके आपको 1 तक जाना था। मैंने कहा अगर इसके मैं दो हिस्से कर दूँ, दो हिस्से करने का मतलब क्या आप समझिएगा, यहाँ पर 134 से दिया, तो आप बोलोगे अगर मैं फैक्टोरियल 133 एक स्थान पर ले लूँ, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दूँ 135 इंटू 136, तो आप बोलोगे इसको मैं पूरा 800 तक ऐसे ले जा सकता हूँ। फिर आप बोलोगे जैसे ही सर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, आप इसे ओपन करोगे ना, इस वाले को ओपन करोगे, तो ये मालूम क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 133 जो बनेगा वो 133 इंटू 132 ऐसे ऐसे करके पूरा 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? बनता जाएगा। तो आप कह सकते हो ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके 133 दिखा रहा है, फिर 134 है, फिर 135 है, ऐसे ऐसे करके पूरा 8। तो आप बोलोगे इस पूरे बात को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी बात क्या बन चुकी ना, फैक्टोरियल 800 बन चुकी। क्या बन चुकी है? ये फैक्टोरियल 800, यही चीज़ घुमा कर ये बन गया है, ठीक है। फिर आपको यही चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही हमने ऊपर से फैक्टोरियल 133 से मल्टीप्लाई किया और नीचे से हमने पूरा नीचे तक हमने फैक्टोरियल 133 से भी डिवाइड किया, तो ये कट जाएगा, तो सेम इक्वेशन वही दे देगा। फिर आप बोलोगे ऊपर वाला पूरा फैक्टोरियल 800 बन गया और नीचे वाला बन गया पूरा फैक्टोरियल 133। फिर आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि फैक्टोरियल 800 में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, फैक्टोरियल 133 में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलता है। आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल पे मिनिमम पावर पे डिपेंड करता है, ये आपको पता था। तो आप बोलोगे इसको 5 से भाग, आपको पता है ना ये चीज़ तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो जीरो है वो डिपेंड करता है किस पर, 2 इंटू 5 के मल्टीपल पर, वो भी किस पर, तो आप बोलोगे मिनिमम पावर, किस पर, तो मिनिमम पावर, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर इसको 5 से आप भाग करोगे तो 16 पंच 80 160 बार में चला जाएगा, फिर इसको करोगे तो 32 टाइम में जाएगा, फिर इसको करोगे तो 6 टाइम में, फिर ये 1 टाइम में, ठीक है। इन सबको पूरा अगर आप ऐड कर दोगे ना, इन सबको पूरा ऐड कर दोगे ना, तो ये डियर आ जाएगा ना 1990। और इसको 5 से भाग कर दोगे तो 5 2 10, 5 6 30, 5 5 25, 5 1 5,
तो आप बोलोगे यहाँ से कितना दे देगा, तो आप बोलोगे यहाँ से ये 32 दे देगा। अच्छा ये 32 क्या है, क्या ये देखो, अगर मैं ऐसे आप कहूँ कि 10 की पावर अगर 1 है तो आप बोलोगे 10 आया, 10 की पावर अगर 2 है तो आप बोलोगे 20 आया, मैंने कहा 10 की पावर अगर 3 है तो आप बोलोगे सर 30 आया। मैंने कहा एक बात बताओ, मान लो मुझे 90 इधर देखो क्या लिखा था, आप बोलोगे 1990 लाना है, देखो 1990 लाना है, तो आप बोलोगे सर अगर आप 199 टाइम जीरो लाना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 10 की पावर 199, यही तो लिखना पड़ेगा। अगर 32 जीरो लाना चाह रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 10 की पावर 32, यही तो लिखना पड़ेगा। इसके पीछे फिर कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझना, मैंने कहा 32 जीरो दिया है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 32 × 10 की पावर 1। मान लो 43200 लिखा है तो आप लिख सकते हो 432 × 10 की पावर 2। तो इसके पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका जीरो डिसाइड कर रहा है वो 10 की पावर डिसाइड कर रही है। कौन डिसाइड कर रही है? 10 की पावर। तो आप यही चीज़ यहाँ फिर लिख सकते हैं आराम से समझने के लिए। चलो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आई वो 199 टाइम जीरो आई, मतलब 10 की पावर कितनी आई, 199 आ गई, और यहाँ जो आ गई वो 10 की पावर कितनी आ गई, 32, यही तो आ गई। फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, आप समझना इस चीज़ को। चल अगर मान लो मैंने कहा कि x की पावर 10 है और फिर x की पावर अगर 5 है, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो आपको वहाँ क्या करना है ना, तो डिवाइड में अगर बेस सेम है तो आप ऐसे ही रख लेंगे x, और इन दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे ना, घटा दें, बस यही करना होता है। तो x की पावर कितना आ गया ना, तो आप बोलोगे 5, x की पावर कितना आ गया, 5। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ देखना है कि यहाँ तो 10 दोनों गिवन है, पावर बेस सेम है, पावर बेस क्या है, सेम है, तो आप बोलोगे इसका जो आ रहा, तो 10 की पावर कितना आ रहा, तो 199 टाइम जीरो, तो इसका भी आ रहा था 10 की पावर 32। भैया मैं जीरो निकाल रहा हूँ कि डिवाइड में जीरो जो होता है ना वो लेस हो जाता है, डिवाइड में क्या होता है, जीरो लेस हो जाता है। बाकी इसके पहले कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो जीरो से मतलब है। तो आप क्या करोगे, इसको लेस करोगे, इसको क्या करोगे आप, लेस करोगे, तो 199 में 32 घटा दोगे तो 761। तो आप बोलोगे यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, फाइनली लास्ट में नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 167, ठीक है। तो इसको इसमें से लेस करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं, पावर को लेस कर दोगे आपको आराम से आ जाएगा। तो ये पूरी बातें जो मैंने आपको समझाई है इसको आप करना, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये बातें समझ में आ गई कि इसके जो आंसर आ गए हमारे वो 167, नंबर ऑफ जीरो जो आ गया 167, अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस चीज़ को। चलो देखो, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, आप इतना आपको दिया है तो आपको इसका आंसर बताना है फैक्टोरियल 9 तक। तो आप बोलेंगे समझने के लिए केवल यहाँ पर, चलो 1 की पावर फैक्टोरियल 1 है, प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2 है, प्लस 3 की पावर फैक्टोरियल 3 है, प्लस 4 की पावर फैक्टोरियल 4 है, ऐसे ऐसे करके 9 की पावर फैक्टोरियल 9 है, तो नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 के मल्टीपल में, लेकिन यहाँ मल्टीपल तो है नहीं, यहाँ प्लस है। तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 1 में नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं आते, 2 में भी कभी नहीं आते, 3 में नंबर ऑफ जीरोस भी कभी नहीं आते, फैक्टोरियल 4 में भी नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं आते, फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, आएंगे, मतलब 120 हुआ तो कितने आ गए, 1 आ गए। मतलब कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो जो स्टार्टिंग होता है फैक्टोरियल के केस में वो होता है फैक्टोरियल 1, 2, 4 में होता ही नहीं है, कहाँ से होता है, फैक्टोरियल 5 की पावर 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 से स्टार्टिंग होता है, मैंने चीज़ को लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पावर में रिप्रेजेंट है, किसमें है, पावर में रिप्रेजेंट है ना, पावर में रिप्रेजेंट, और यहाँ पे क्या दिया, सब कुछ प्लस में दिया है। तो आप बोलोगे 1 की पावर तो 1 ही होगी, 2 की पावर तो 2 ही होगी, 4 की पावर आप कितना भी रख लो, 5 की पावर कितना, नंबर ऑफ जीरोस कभी आएगा ही नहीं, नंबर ऑफ जीरोस कभी आएगा ही नहीं, 5 का पावर आप कितना भी क्यों ना बना लो, देखो भाई 4 की पावर आप कितना भी बना लो कभी जीरो तो नहीं आएगा। जीरो आ सकता है केवल एक नंबर, अगर वो 10 का पावर के फॉर्म में किसी को भी लोगे तो लास्ट में जीरो आएगा, नहीं तो कभी जीरो नहीं आएगा, कभी जीरो आने का चांस ही नहीं। तो आप बोलोगे 1 की पावर कभी जीरो कभी नहीं बन सकता, 2 की भी पावर कितना भी रख लो जीरो कभी नहीं आ सकता, 3 कभी 0 नहीं, 4 कभी नहीं, 5 कभी नहीं, 6 कभी नहीं, 7 कभी नहीं, 8 कभी, 9 कभी नहीं, 10 का नहीं, 10 का हो सकता है, 10 का अगर मैं पावर कुछ भी रख दूंगा
10 की पावर 10 रख दूंगा ना, इसका मतलब यह है कि लास्ट में कितने बार जीरो आ सकते हो, तो लास्ट में 10 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे ऐसे ऐसे, 10, 6, 7, 8, 9 और 10। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 10। लेकिन नंबर जो एग्जामिनर ने पूछा है वो कहाँ कितना पूछा है, तो आप बोलोगे सिर्फ 9 तक। कहाँ तक का पूछा है, सिर्फ 9 तक का। तो बोलो 9 तक में ऐसा कोई नंबर है नहीं जो लास्ट में क्या ला सके, 0, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट पॉसिबल है 1 से लेकर 9 तक की, लेकिन किसी की यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं है 0 से। वो केवल 10 का ही यूनिट डिजिट ऐसा है जो 0 हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो यहाँ से आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे कितने, आ जाएंगे 0। नंबर ऑफ जीरोज़ आएंगे 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई केस में देखते हैं भाई, वही क्वेश्चन को एक बार मल्टीप्लाई में देखते हैं। क्या लिखा है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ऐसे ऐसे करके आपको 15 की पावर फैक्टोरियल 15 तक दिया है। तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे आराम से कि सर मैंने अभी प्रीवियस वाले वीडियो में बताया कि 4 तक तो नंबर ऑफ जीरोज आने के कोई चांस ही नहीं है, 4 तक तो नंबर ऑफ जीरो आने के चांसेस नहीं। फैक्टोरियल 5 से केवल पहली बार जीरो आना चालू होता है, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 4 तक, यानी कि फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 तक नंबर ऑफ जीरोज आने के कोई चांस ही नहीं है। देखो ना, नंबर ऑफ जीरो आने के चांसेस नहीं। फिर आप मेरे को ये कहना नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई का केस है। किस पर है ये, मल्टीप्लाई का केस है। चलो मल्टीप्लाई के केस में पावर किस पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे 2 की और इनटू 5 के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों के मिनिमम पावर पर। किस पर, मिनिमम पावर पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई है। तो आप बोलोगे 1 से लेकर 15 तक तो बहुत बार आएगा। क्या आएगा, बहुत बार। तो बहुत बार जो आएगा वो आपका क्या होगा ना, 2 की पावर जो बहुत बार आएगी। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार नहीं आएगी, तो आप बोलोगे 5 जो है नहीं आएगा। तो 5 पकड़ लो आप यहाँ से, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 रहा होगा, इंटू फिर 10 में भी एक बार 5 आ रहा होगा, 10 की फैक्टोरियल 10 रहा होगा, आप समझ रहे हो ना। फिर हम पकड़ेंगे तो इंटू किया तो 15 का पावर जो है फैक्टोरियल 15 रहा होगा। आप मेरे को एक चीज़ बताना, 2 तो बहुत बार आ रहा होगा इसमें, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 अब रहने दो, क्या मैं इसको 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल 10 नहीं लिख सकता, इंटू 3 इंटू 5 का पावर फैक्टोरियल 15 नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ। फिर आप कहोगे 5 की पावर 15 आप रहन दो, 5 की पावर 15 आप रहन दो। फिर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से 5 की पावर फिर 10 निकाल लूँगा, वही फैक्टोरियल में, याद रखना आप। चलो फैक्टोरियल में देखिएगा, फैक्टोरियल में फिर इंटू, फिर यहाँ से मैं निकाल लूँगा 5 की पावर कितना फैक्टोरियल 15, ठीक है। तो आप इनको जोड़ मत देना, आप जोड़ मत देना बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप 5, 10, 15, 15, 15, 30 बिल्कुल मत जोड़ देना, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब 15 नहीं होता, 15 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 15 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई करना। या तो आप इसको ओपन करो, 5 का ओपन करो, मैंने बोला ना 5 का कितना आ रहा है, देखो 5 का 120 आ रहा है, फिर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 120 रखेंगे, ऐसे ही 10 का आ रहा हो, फिर ऐसा 15 का आ रहा हो, सबको जोड़ो, वरना आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। चलो तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 की पावर, देखिएगा समझिएगा, 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121, एक क्वेश्चन ये दिया है आपके लिए, ठीक है। फिर अगला दिया है 5 की पावर 123 प्लस 5 की पावर 124। नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है, तो आप बोलो क्या मैं यहाँ से मिनिमम पावर जो 1 की पावर है, तो 2 की पावर 121 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से 21 कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर बच गया, माइनस फिर यहाँ से 2 की पावर 1 बच गया, यहाँ से केवल 1 बच गया। इसी तरह अगर मैं 5 की पावर 123 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, चलो 2 की पावर 123 है माइनस 2 की पावर 122 है माइनस 2 की पावर 121 है, एक ये हो गया, एक हमने और लिया तो 5 की पावर 122 हो गया, 5 की पावर 122 हो गया प्लस 5 की पावर 123 हो गया प्लस 5 की पावर 124 हो गया, हमने ये ले लिया। फिर हमने कहा नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 के मल्टीप्लाई पे, तो इसको सॉल्व करो पहले। आप 2 की पावर 121 अगर कॉमन ले लेंगे तो 23 में से 21 चला गया तो 2 बच जाएगा, फिर यहाँ से 22 है तो 121 चला गया, पावर 122 में से 1 बच गया, 2 की पावर 1 बच गया, फिर माइनस यहाँ से पूरा बाहर चला गया तो यहाँ से 1 बच गया। फिर आप अगर 5 की पावर 122 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपके यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 बचेगा,
फिर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 2 की पावर 121 आप रहने दो, ये 4 हो जाएगा भैया, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 ही हो जाएगा, 1 1 ही हो जाएगा, तो 4 में से 2 और 1 3 चले जाएंगे, तो बचेगा कितना, केवल 1, ठीक है। फिर इंटू किया, इंटू में ही है, तो 5 की पावर 122 रख लो आप ब्रैकेट में, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 25, 5 30 और 1 31, ये 31 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज जो डिपेंड करता है, देखो यहाँ से भी 5 कहीं नहीं आया, यहाँ से भी 5 कहीं नहीं आया, तो 2 की पावर 1 ये दिखा रहा है आपको, 5 की पावर ये दिखा रहा है, और मैंने बोला नंबर ऑफ जो जीरो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जो जीरो डिपेंड करता है, चलो वो डिपेंड करता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई पर, किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 के मल्टीप्लाई पर, वो भी उनके मिनिमम पावर, किस पर, मिनिमम पावर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखोगे तो आराम से आपको बातें अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे 2 और 5 में मिनिमम पावर किसकी, तो आप बोलेंगे 2 की। तो नंबर ऑफ जो जीरो आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो इक्वेशन में प्रोवाइड होंगे आपको, वो हो जाएंगे 121। ये बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आप देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ जीरोज दिया है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, सेम वही है जो मैंने अभी आपको दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज़ को आप अच्छे से लगाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लगाएंगे सेम वैसा ही है जैसा मैंने प्रीवियस वाले में लगाया है, ठीक है, वैसा ही सेम क्वेश्चन वहाँ का भी है, वहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर भागना नहीं, आपको समझना है, ठीक है, लड़ते रहोगे क्वेश्चन को देखते देखते, तो एक दिन आपको आ जाएगा, है ना, बिना देखे तो नहीं आएगा, आपको देखना है, समझना है, करना है, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, चलो फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो आप बोलोगे 5 की पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 500 है, माइनस 5 की पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 499। एक ये गिवन है आपको, फिर दूसरा गिवन है 7 की पावर 670 माइनस 7 की पावर 669 दिया है, फिर एक क्वेश्चन और दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, फिर एक आपको दिया है 2 की पावर 333 माइनस 2 की पावर 332 माइनस 2 की पावर 231 ये दिया है आपको, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको देखना है, तो आप बोलो 5 की पावर 549 है, तो क्यों 549 में पावर कॉमन ले लूँ, तो अंदर जो बच जाएगा 5 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा 7 की पावर क्यों नहीं 669 आप कॉमन ले लेते, तो अंदर 7 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। फिर क्यों नहीं 2 की पावर 231 कॉमन ले लेते यहाँ से सबसे छोटा, तो यहाँ तो 2 की पावर 2 बच जाएगा, फिर 2 की पावर 1 बच जाएगा और केवल यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, लेकिन लास्ट में प्लस है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे प्लस करके चलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग समझने के लिए, देखो तो आपने कहा 5 की पावर 49 आप रहने दो ऐसे ही, 5 की पावर 499 अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सिर्फ 4 बचेगा, लेस करेंगे, फिर यहाँ 7 की पावर 66 आप 9 रहने दो, अंदर किच्चा बचेगा, तो आप बोलेंगे 6 बचेगा। हमने कहा 2 की पावर 231 रहने दो आप, 231 रहने दो, अंदर क्या बचेगा, तो 4 है और एक 5 हो जाएगा, 5 में 2 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई पे करता है, वो भी किस पर, तो मिनिमम पावर, किस पर, मैंने बताया मिनिमम पावर पर। तो आप बोलोगे यहाँ से कोई 5 तो नहीं निकला, यहाँ से भी कोई 5 नहीं निकल रहा है एडिशनल, यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा है, और 7 का तो वैसे भी हमारा कोई काम नहीं, तो हमें जो इंपॉर्टेंट काम है वो केवल क्या है, 5 की पावर और 2 की पावर पर फोकस करना है। तो 5 की पावर और 2 की पावर में मिनिमम पावर 2 की है, तो नंबर ऑफ जो जीरोज आ जाएंगे वो 231 आ जाएंगे। देख लो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है और कितना मॉडरेट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लगाएंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पावर, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था फाइंड मैक्सिमम मिनिमम पावर, तो आपको वही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलो फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3 विच डिविजिबल बाई 200 नॉन डेसिमल, कहने का मतलब है फैक्टोरियल 200 में ऐसे कितने 3 आ रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि फैक्टोरियल 200 का मतलब समझ रहे होगे ना, फैक्टोरियल 200 का मतलब, तो 200 इंटू 199 इंटू 198 ऐसे ऐसे करके आपको 1 तक जाना है, ऐसे करके आपको 1 तक जाना, तो ऐसे इसमें कितने बार 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है,
मतलब तीन का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब तीन की पावर कैसे आ रही है। तो सेम वैसे ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, कुछ नहीं करना, आपको इसको तीन से भाग करना चालू करना है। जब तीन से भाग करोगे तीन छंग अट्ठारह, फिर तीन छंग अट्ठारह हो जाएगा, फिर तीन से भाग करोगे तो बत्तीस हो जाएगा, यही तो हो गया। फिर तीन से भाग करोगे तो दस हो जाएगा, फिर तीन से भाग करोगे तो तीन हो जाएगा, फिर भाग करोगे तो एक। मतलब पहले इसको भाग किया 66 आया, फिर इसको भाग किया 32 आया, फिर इसको भाग किया तो 10 आया, फिर इसको भाग किया 3 आया, फिर किया तो 1। इन सबको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है, ऐड करना। तो आप बोलना है एक चीज़ मेरे को समझने के लिए, 1 3 4 04 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया 12। फिर सेकेंड डिजिट मतलब 10th डिजिट को ऐड करना है, तो 1 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 4 10, 10 और कितना हो जाएगा 11। तो आप बोलोगे 112 जो होंगे 3 की पावर 112 आंसर आएगा। आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ जो 3 आई है वो कितनी आई, तो 3 की पावर 112 आई है। कितनी आई है, तो 112 आई है। कोई दिक्कत तो है नहीं फिलहाल, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 2 की पावर n मैक्सिमम कितनी हो सकती है फैक्टोरियल 450 में, परफेक्टली और मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताना आपको। आप बोलोगे फैक्टोरियल कितना है हमारे पास, फैक्टोरियल 450 है, जिसमें से आपको 2 की पावर n यानी कि 2 इसमें कितनी बार आएगा आपको ये बताना है। तो कुछ खास बात नहीं है, चलो तो हम पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे 450 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 225 आएगा, फिर 225 को अगर मैं 225 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 112 आएगा, 112 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 56 आएगा, फिर हमारा 28 आएगा, फिर हमारा 14 आएगा, फिर हमारा 7 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा। तो ऐसे ना 2 की पावर इतनी ढेर सारी आपकी नज़र में आएगी, तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने कैसे का मतलब, 225 आया, फिर आपका 112 आया, फिर आपका 56 आया, फिर आपका 28 आया, फिर आपका 14 आया, फिर आपका 7 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। आपको इन सबको क्या करना है ना, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 5 2 7 6 13 8 कितना हो जाएगा, 31 4 25 7 कितना हो जाएगा, तो 32 3 35 और 36 36 आया, कैरी कितना हो गया आपका 3, फिर ऐड कर देंगे आप तो 2 1 3 5 8 10 11 11 3 कितना हो जाएगा 14, कैरी कितना बच गया 1। तो आप बोलोगे 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ जो जीरोज आए हैं, या नंबर ऑफ जीरोज बोल रहा हूँ, 2 की पावर n में जो n की वैल्यू आई है, 2 की पावर n में जो n की वैल्यू आई है 4 4 6 आई है। कितनी आई है, तो 4 4 6 आई है। कोई दिक्कत है नहीं, तो आप बोल सकते हैं आराम से कि यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर आई है आपकी 4 4 6। लेकिन मिनिमम पावर पूछ रहा है, भैया मिनिमम के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मिनिमम जो हो जाएगी वो 2 की पावर केवल 1 हो जाएगी, या कह सकते हो आप कि मिनिमम केवल n की वैल्यू जो है 1। कम से कम तो 2 की पावर 1 2 ही रहने दो ना, वही मिनिमम मैक्सिमम आपको निकालना पड़ेगा, वो आप निकाल लेना। चलो नेक्स्ट, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 6 बिट्स डिविजिबल, इतना। तो मैंने आपको एक नोट बताया था, 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है, 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको क्या करना है ना, कंपोजिट नंबर में कभी भी आप ना नॉन जीरो डिजिट नहीं निकल, सॉरी नॉन जीरो डिजिट बोल रहा हूँ मैं आपको। चलो चलो, तो आपको क्या करना है ना, जो 6 है यहाँ पे या 6 है आपका, 6 कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 और 3 हो रहे हैं। तो जैसे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है 5 और 2 के मल्टीपल के मिनिमम पावर, तो बोलो 2 तो बहुत बार आ रहा था, 5 एक बार आ रहा था, कम आ रहा था, तो वैसे 2 और 3 में ना 2 बहुत बार आएगा फैक्टोरियल 2 में। फैक्टोरियल मतलब किसी भी नंबर फैक्टोरियल में आप जाओगे तो 2 बहुत बार आएगा और 3 कम बार आएगा। तो आप कह सकते हो 6 जो है ना 2 और 3 के मल्टीपल पर डिपेंड करता है, 2 और 3 के मल्टीपल डिपेंड करता है, लेकिन किस पर, तो आप बोलोगे मिनिमम पावर, किस पर, मिनिमम पावर। मैंने आपको आराम से पूरी वीडियो अच्छे समझाई, प्रीवियस वाली पार्ट 22 देखोगे जाके आपको आराम समझ में आएगा। चलो, तो मैंने कहा कि फैक्टोरियल कितना गिवन है आपकी नज़र में, बोलोगे फैक्टोरियल 67 इंटू फैक्टोरियल 80। तो आपको क्या करना है ना, इसको 3 से ऐड करना है, 3 से क्या करना है ना, ऐड करना, 3 से इसको डिवाइड कर डालो, 3 क्योंकि 2 से तो नहीं कर सकते, मिनिमम पावर चाहिए, तो 2 तो बहुत बार आएगा, 3 कम आएगा, 3 से करना है आपको। तो 3 से क्या करो ना, इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड करो ना फैक्टोरियल 67 को, तो ये आपका जाएगा 2 टाइम में, फिर ये आपका जाएगा 2 टाइम में, फिर इसको 3 डिवाइड करोगे 7 टाइम में, फिर ये 2 टाइम। ऐसे ही फैक्टोरियल अगर 80 को ले लो, आप समझने के लिए बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल अगर आप 80 को ले लोगे, ठीक है, फैक्टोरियल 80 को ले लोगे तो आप कितनी बार जाएगा, तो 2 3 2 6 3 2 6 2 चला जाएगा 20, फिर 3 6। आप समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, देखो मैंने कहा 80 को अगर मैं 3 से भाग करूँ
तो 80 को 3 से भाग करूंगा तो आप बोलोगे सर चलो करा देता हूँ बेसिक तरीके से। देखो 80 को मैं 3 से भाग करूं तो आप बोलोगे 2 टाइम में 6 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 6, 18। जो 2 बच गए उसको तो लेना ही नहीं हमें, उसको तो लेना ही नहीं ना हमें, वही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आपको नहीं लेना है। चलो तो आप करोगे तो 2 टाइम में आ जाएगा, फिर 6, 26, फिर आप करोगे तो 8 टाइम में जाएगा, फिर आप करोगे तो 2 टाइम में जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से कितना आया, तो आप बोलेंगे 29 दो 31, 31 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 36, कितना आ जाएगा 36। तो आप बोल सकते हो कि इस वाले केस में 3 की पावर कितनी आई है, तो आप बोलोगे 31 इंटू, इस वाले में तो आप बोलोगे 36। मैंने कहा बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 6 और 1 7 आ जाएगा, और 3 3 कितना 6 आएगा, तो बोलोगे 3 की मैक्सिमम पावर है, बोल सकते हो आप जो हमारा 6 है उसमें कितनी बार आएगा, तो 67 टाइम्स आएगा। फैक्टोरियल 67 इंटू फैक्टोरियल 80 में 6 की पावर कितनी आएगी, तो 67 टाइम्स आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 12 विच डिवाइड 90 एंड 100। सेम वैसे ही आपको 12 लेना है, तो बोलोगे 12 के भी तो 3 इंटू 4 होते हैं, और 4 को अगर आप चाहो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर वही डिपेंड हो गया कि जो 12 है वो डिपेंड करता है 2 और 3 के मल्टीपल पर, लेकिन 2 की पावर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, डिपेंड करता है 3 के मिनिमम पावर पर, यानी कि जितनी ज़्यादा 3 की पावर आएगी वही आपका उतनी बार फैक्टोरियल उतने में 12 आएगा। तो आप बोल सकते हो फैक्टोरियल 90 इंटू फैक्टोरियल 100 में अगर मैं फैक्टोरियल 90 का निकालूं 3 से डिवाइड करके, तो आप बोलोगे 30 टाइम, फिर 10 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम। और 100 का अगर मैं निकाल दूं तो आप बोलोगे 33 टाइम्स, 11 टाइम्स, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स। यही तो हुआ, और कुछ आएगा ही नहीं। तो आप कहोगे यहाँ से अगर मैं ऐड कर दूं, तो मैंने कहा 44 आ गए, 48 आ गए, तो आप बोलोगे यहाँ से 3 की पावर जो आएगी ना 44 आएगी, यहाँ से जो 3 की पावर आएगी 48 आएगी। मैंने कहा बेस सेम हो तो 3 की पावर आप ऐड कर दोगे तो 8 4 12 की 2 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9। तो आप बोल सकते हो 3 की पावर 92 आई, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन जो 12 आएगा वो कितनी टाइम आएगा, 92, क्योंकि दो तो बहुत बार आएगा, 3 कम बार आएगा, यही चीज़ आपको सिखाया गया 12 की पावर 92। ठीक है, चलो 287 डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5, मतलब कह रहा है कि सिंपल सी वही बात फिर आपको घुमा कर दिया है, बहुत लंबा नहीं दिया है, चलो समझो। 15 बोला है और 15 की पावर n, मतलब n निकाला, तो 15 किस पे डिपेंड करता है, 3 इंटू 5 में, किस पे डिपेंड करता है, 3 इंटू 5 पर, 3 इंटू किस पे डिपेंड करता है, 5। तो आप बोलोगे भैया 3 तो बहुत बार आएगा, 3 तो बहुत बार आएगा, फैक्टोरियल में 3 पहले से ही आना चालू हो जाता है फैक्टोरियल 3 से, लेकिन 5 तो फैक्टोरियल 5 से आएगा ना, मतलब इसमें भी हमको क्या करना है ना, मिनिमम पावर पर डिपेंड रहना है बस। जब भी कोई कंपोजिट नंबर आए तो समझ जाना उसके पावर को हमको मिनिमम पावर पर डिपेंड रखना है, उसको तोड़ दो प्राइम नंबर में तोड़ दो, फिर ये देख लो कि उसमें सबसे कम बार कौन आ रहा है, वही डिसाइड करता है उस नंबर के पावर को। तो आप बोलो 5 पर ध्यान देना, तो फैक्टोरियल कितना है, तो 287 है, तो इसको अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो आप बोलोगे 5 5 25 5 5 25, यही तो हुआ ना, 5 5 25, फिर आपका 3 बच गया, 37 हो गया, तो 5 7 35, तो 5 टाइम्स फिर चला जाएगा, 7 टाइम फिर चला जाएगा आपका। ठीक है, चलो फिर आप 5 से भाग कर देंगे तो कितनी बार चला जाए, 11 बार, में फिर 5 से भाग कर देंगे 2 बार। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जो आया नंबर ऑफ जीरोस, चलो तो आप बोलोगे यहाँ पर जो 5 की पावर आ रही है वो डिपेंड कर रही है 57 11, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 68 और 170, तो 5 की पावर 70 आई, जिससे आप आंख बंद करके बता सकते हो कि यहाँ पे 15 पूछा था तो 15 की पावर 70 आ जाएगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 की जो पावर डिपेंड करती है ना 5 पर डिपेंड करती है, 5 की पावर बहुत कम बार आएगी तो 5 पर डिपेंड करेगा। तो आप बोल सकते हो एन की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ से कितनी आ गई, 70। तो याद रखना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आराम से हम लोग लेके चल रहे हैं। चलो तो आपको बोलना फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज अगर आप इसमें निकालेंगे फैक्टोरियल में, देखें आप, वैसे आपके क्वेश्चन कर लेना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन मैं करा देता हूँ। देखो फाइंड नंबर ऑफ जीरोज क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 90। तो आप बोल सकते हो कि फैक्टोरियल 1 बहुत पहले मैंने कराया भी था आपको, देखो यहाँ पे समझने के लिए, देखो मैंने कहा फैक्टोरियल 4 तक जीरो कभी आता ही नहीं, फैक्टोरियल 5 के बाद से आना चालू होता है। ठीक है,
फिर आप आराम से यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि जो फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4 में जीरो आया ही नहीं, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है? 2 और 5 के मल्टीपल पर। तो मैंने कहा 2 और 5 के मल्टीपल पे तो करता है, लेकिन कैसा? तो आप बोलोगे मिनिमम पावर। किस पर? मिनिमम पावर। तो आपको पता है फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है तो 2 तो बहुत बार आएगा, तो 5 ही ऐसा है जो कम बार आएगा। तो मतलब 5 पे ही डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ जीरो। तो 5 कहाँ कहाँ आएगा? तो फैक्टोरियल 5 में आएगा, फिर आपका एक बार फैक्टोरियल 10 में आएगा, फिर एक बार फैक्टोरियल किस में आएगा? तो आप बोलोगे 15 में आएगा, फिर एक बार किस में आएगा? तो फैक्टोरियल अब आएगा ही नहीं, 90 आ गया। तो आप बोल सकते हो एक बात बताओ, तो आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ जीरोज इसी पे आ रहे हैं और इसी पे हमको डिपेंड रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज यही डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, हमने तो केवल 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, क्या नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, नंबर ऑफ जो जीरो हैं, क्या वो आपके फैक्टोरियल 6 में नहीं आ रहे, फैक्टोरियल 7 में नहीं आ रहे, फैक्टोरियल 8 में नहीं आ रहे, फैक्टोरियल 9 में नहीं आ रहे, फैक्टोरियल 10 में नहीं आ रहे, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब में आ रहे हैं ना, सब में आ रहे। तो आप बोलोगे जो आप अप्रोच लगा रहे हो वो केवल फैक्टोरियल पूरे के लिए होता है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा ना, गलत। तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपका फैक्टोरियल जब स्टार्ट होगा तो फैक्टोरियल 5 से लेकर एक बार हम लोग फैक्टोरियल 9 तक देख लेते हैं, फिर हम लोग फैक्टोरियल 10 से लेकर फैक्टोरियल 14 तक देख लेते हैं। पहले समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो पहले ही समझ लो। फैक्टोरियल अगर हम 5 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? तो फैक्टोरियल 5 में 120 आएगा, तो 10 आएगा। कैसे पता चला, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो मैंने कहा आपको पता था नंबर ऑफ जीरोस अगर निकालना है इसमें तो आप 5 से डिवाइड कर दो। जैसे इसको 5 से डिवाइड करोगे यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। मैंने कहा फिर 6 में, तो आप बोलोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 ही बार जाएगा। फिर 7 को डिवाइड करो तो बोलो 1 ही बार जाएगा, तो 10 आ जाएगा। फिर 8 को, फिर 9 को आप ऐसे ही करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आए। लेकिन जैसे फैक्टोरियल 10 रखोगे ना, यहाँ से ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, समझा। फिर फैक्टोरियल 11 में 2 बार में जाएगा, फैक्टोरियल 12 में भी 2 बार जाएगा, फैक्टोरियल 3 में आपका 13 में 2 बार जाएगा, फैक्टोरियल 14 में आपका 2 टाइम जाएगा, फैक्टोरियल 15 में आपका 3 टाइम जाएगा, फैक्टोरियल 16 में आपका 3 टाइम जाएगा, फैक्टोरियल 17 में आपका 3 टाइम जाएगा, फैक्टोरियल 18 में आपका 3 टाइम जाएगा, फैक्टोरियल 19 में आपका क्या जाएगा ना, 3 टाइम्स जाएगा। तो 19 तक तो पूछा है, चलो तो आप क्या जोड़ लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे हमारे, वो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 30। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे तो आप बोलेंगे 30। तो आप समझ गए ना, इंडिविजुअली करके निकाल दिया, आप कंबाइन कर निकालोगे आपको आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं, मैं समझाने के लिए ले लूँगा, ठीक है, चलो। फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 65। कल मैंने वीडियो में समझाया था कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट पूछे तो पावर आपको ये लगाना है 2 की पावर x इंटू फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल y, ठीक है, यही चीज़ आपको मैंने फॉर्मूला अच्छे से बताया था, यही तो बताया था मैंने आपको। चलो, तो आपने बोला फैक्टोरियल 65 का निकालना है, तो आपको मैंने सिखाया था कि आप क्या करोगे ना, 65 को पहले ना 5 से डिवाइड कर लोगे, 13 टाइम में चला जाएगा। आप बोलो कट गया, तो आप बोलोगे यहाँ मैं रख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं x बोल दूंगा, एक चीज़ को मैं y बोल दूंगा। तो आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर जो x आई वो कितना आई, 13 आ गई, इंटू फैक्टोरियल 13 आ गया, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मैंने बोला रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या मान लेना, 1। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था पूरे प्रैक्टिस सेशन में, या पूरे कंबाइंड कंसेप्ट जो मैं दे रहा था तो आप वहाँ समझ रहे थे, ठीक है, चलो। तो यहाँ से 1 आ गया, तो आप बोलोगे अगर 13 को अगर काटने में आपको दिक्कत हो रही है, 13 को अगर आप काटने में दिक्कत हुई तो मैंने आपको ये बताया था कि आप 13 का फिर अलग से निकाल सकते हो, सेम वैसा ही 13 का फैक्टोरियल नहीं पता ना कितना लंबा जाएगा। तो आप बोलो यहाँ से 5 से भाग किया तो 5 × 10, यहाँ बचा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2, यहाँ से कितनी आ गई y की वैल्यू, 3। तो आप बोल सकते हो अगर हम इसको अलग से सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3। तो 2 की पावर कितना होता है, 4 हो जाता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, समझते रहना, 8 × 48 आएगा, लेकिन आपको 8 से मतलब है। तो आप बोलो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे इंटू 1 आ गया, 2 की पावर 13 क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं ना, पावर को 4 से डिवाइड करो, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12, 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, वही आपको 2 की पावर 1 रखना, 2 की पावर 1 2 होता है, तो आपको 16 आ जाएगा। यही आपका क्या है ना, नॉन जीरो डिजिट, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट आपकी 6 आ गई। बहुत आसान तरीके से बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीन चार क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग लगाते हैं इसको, समझते हैं, और तीन चार क्वेश्चन लास्ट के और अच्छे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छा समझना, जानबूझ के हार्ड बना के लाए हो ताकि आप अच्छे से अवेयर हो जाए, क्वेश्चन का नॉलेज आपको हो जाए, बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूँ, आराम से करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे हम आराम से इसको, ठीक है। अच्छा फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 83 एंड फैक्टोरियल 34। तो फैक्टोरियल 83 प्लस फैक्टोरियल 34 का नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है, नंबर ऑफ जीरोज नहीं बताना, आपको लास्ट नॉन जीरो डिजिट बताना, मतलब जितने जीरो आ रहे हैं जस्ट उसके पहला वाला कौन सा ऐसा नंबर हो जीरो ना हो। जैसे मान लो बहुत जीरो आ रहे हैं, बहुत जीरो आ रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले जो नंबर आ रहा है ना उसी को हम फाइंड कर रहे हैं, उसी को हम फाइंड कर रहे हैं। और अच्छे समझना है तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आपको आराम समझ में आ जाएगा, इसी बेस पर पूरा कंसेप्ट अच्छे से दिया हूँ, ठीक है। चलो तो आप बोलो मैं अगर 83 का निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है, 2 की पावर x इंटू फैक्टोरियल एक्स इंटू फैक्टोरियल वाई, ये आपको लगाना है, फॉर्मूला तो वही कॉमन है। तो आपको इसको मैं सॉल्व करके अलग से आता हूँ, जैसे फैक्टोरियल 83 है तो जाहिर बात है आप कहोगे कि 83 को क्यों नहीं आप भाग कर देते 5 से, हमें क्या कर दो 16 बार में जाएगा, बचेगा 3, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। फिर आप बोलोगे यहाँ हम आराम से सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16 इंटू फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 3, ये तो अलग आ गया। फिर हमको 34 का निकालना है, 34 को अगर हमने 5 से भाग किया तो 6 टाइम में जाएगा, 30 बचा यहाँ से 4, ये तो y हो गया और ये क्या हो गया ना x। फिर ये चीज़ आप यहाँ रख दो 2 की पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, ये तो करेंगे, चलो ये कर ले। तो आपको चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इधर तो आपको रटा हुआ आप रख लो, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 64, तो 64 का 4 रख लेंगे इंटू फैक्टोरियल 6 जो होता है ना 720 होता है, तो 0 को हटा दोगे तो 2 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 कितना होता है तो आप बोलोगे 24 होता है, 24 का 4 ले लेंगे, हमने ये भी कर लिया। 2 की पावर 16 कितना होता है, आप बोलो पावर को 4 से काटो पूरा कट गया, अरे जब पूरा कट गया ना तो पावर 4 ही रखते हैं, यूनिट जीरो में सिखाया, जाके देखो, ठीक है। 16 अगर पूरी तरीके से कट गया 4 से तो फिर 4 ही रख देते हैं, अगर मान लो कुछ बच जाता है तो फिर वहाँ वो चीज़ रखते हैं। तो आप बोलो इसको काटा तो पूरा कट गया तो 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती, तो 16 का हमने 6 रख लिया। फिर हमको ये पता फैक्टोरियल 3 का मतलब भी 6 होता है, लेकिन यार हमको ये नहीं पता चल रहा है फैक्टोरियल 16 की क्या वैल्यू होगी, तो 16 के लिए हम लोग फिर अलग से नियम बना लेंगे वही वाला, 5 3 15 एक बच जाएगा। तो फिर आप यहाँ रखना चाहो इसको तो 2 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 का 6 होता है इंटू 1, तो 8 6 48 का मतलब 8 ले लेंगे, बस क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे तो 8 आ गया। तो 6 की पावर आप कितना भी रखो 6 ही होता है, तो 8 6 48 आ गया 8 ही आएगा, फिर 8 6 48 का फिर 8 ही आएगा, प्लस में है ये, तो 4 16 2 32 32 का 2 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे नॉन जीरो डिजिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 0 आप भूल जाओ, नॉन जीरो डिजिट आपकी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी नॉन जीरो डिजिट आपकी क्या हो जाएगी ना 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बस हिंट देके मैं आपको समझाता हूँ आप लगाएं इसको, ठीक है। चलो 1 से लेकर 65 तक दिया है, 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे ऐसे करके 65 तक, फिर क्या दिया है तो 1 × 2 × 3 × ऐसे ऐसे करके 56 दिया है। आप चाहो इसको तो फैक्टोरियल 65 इंटू फैक्टोरियल 56 इसका भी आप निकाल सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, आप निकालोगे, यहाँ पे निकालने के बाद हम लोगों ने प्लस किया तो आप इंटू कर देना, बात वहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, सारा क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो प्लस में दिया, फैक्टोरियल आप लगाएंगे, ये वाला भी आप लगाएंगे, बाकी नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर आराम से आप बताएंगे, आपको सारी बातें फिर से बताई जाएंगी अगर नहीं आई तो। ये सारा कंसेप्ट आपको मैंने आज बता दिया, आप जाइए घर पे लगाइए, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं मैंने, उसको आप लगाइए, पॉज करके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चालू होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत दिन से बच्चे परेशान है, तो रिमाइंडर थ्योरम को आराम से करियर ऑन करते, रिमाइंडर थ्योरम में सारे कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे बेसिक से, ठीक है। चलिए ओके बाय, धन्यवाद।